रायसेन में मुख्यमंत्री शिवराज की जन कल्याणकारी योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया और देश की एकमात्र योजना बताई। वहीं अपने हाथों से तेंदुपत्ता संग्रहित महिलाओं को अपने हाथों से चप्पल पहनाई और पुरुष को जूते एवं पानी की बॉटल का किट प्रदान किया। रायसेन जिले के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जन कल्याणकारी योजना एवं तेंदुपत्ता संग्रहकों को बोनस सहित महिलाओं को अपने हाथों से चप्पल पहनाई। वही कहा कि गर्भवती महिलाओं को 4,000 रुपये और बाद में 14,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं 18 से 60 में सामान्य मौत पर 2,00,000 और 5,000 रुपये दह संस्कार के लिए दिए जाएंगे। वहीं दुर्घटना में 4,00,000 रुपये दिए जाएंगे। 2.5 एकड़ ज़मीन से कम ज़मीन वालों को जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा। बल्ब, टीवी, एक पंखा, एक बिजली का बिल 200 रुपये माह होगा। वहीं शिवराज जी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, लाशों पर वोटों की राजनीति करती है। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों ने कहा कि पहले पचोतरा बंद हो तो 100 गिड्डी पर 5 अतिरिक्त लेते हैं। 123 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोक अर्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर 4,73,42,685 रुपये की बोनस राशि भी वितरित की गई। विशाल सिंह, बेगमगंज, रायसेन। जिनने पिछले साल के गेहूं का 200 रुपया इस साल किसान के खाते में इसलिए डाला
खेती फायदे का धंधा बने। 10 जून को 265 रुपये और डलेगा गेहूँ, बाकी जगह बिक रहा 1735 और 265 मिला के 2000 रुपये क्विंटल। इसलिए किसान को ताकि लाभ पूरा मिल जाए। चना मसूर सरसों का भी खरीदी थी कांग्रेस ने, कोई बता दे, व्यापक पैमाने पर खरीदी चल रही है, एक एक दाना खरीदेंगे। और चना मसूर और सरसों पे भी 100 रुपया क्विंटल अलग से देंगे। एक नहीं, पूरी श्रृंखला किसानों के कल्याण की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। जो कभी नहीं हुआ वो अब हम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो किसान की तरफ देखते नहीं थे, किसान मुआवजे के लिए तरस जाता था, उनको आज घटिया राजनीति सूझी है। वो शांत मध्य प्रदेश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए, ये कोई दुख है कि 6 तारीख कोई संख्यनाद करेंगे? काय का संख्यनाद करेंगे? ये अराजकता की आग में कांग्रेस के मित्र मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि किसान और जनता उनके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होगा। भैया मंदसौर की बात कही थी आपने बयान में, मन से मंदसौर की बात कही थी कि राजनीति हो रही है लाशों से। भारत सरकार किसके लिए क्या बताए?